बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको जो है आर्थराइटिस है, हमको जो है गठिया बाई है। तो मैं आपको ये एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि ये किस में फ़र्क क्या है और इसको जो है कैसे वो किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए। नॉर्मली हमारी पॉपुलेशन में आपने देखा होगा कि लोगों को घुटने के जो है तकलीफ़ है, बैक की तकलीफ़ है, तो इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि हमारी 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन जिस कंप्लेंट के साथ आती है हमारे पास, डॉक्टर्स के पास आती है, सर्जन्स के पास आती है। एक होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें जो है आपके शरीर के में ही ऐसे कुछ तत्व बनते हैं जो आपके शरीर के अगेंस्ट काम करते हैं। ये एक जो है ऑटो इम्यून कैटेगरी ऑफ डिजीज़ होता है, उसमें आता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब पेशेंट्स लेके आते हैं तो उनको जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो शुरू होती है वो या तो घुटने से होती है और या पीठ से शुरू होती है। घुटने की कंप्लेंट्स आपने लोगों को जो है अक्सर देखा होगा कि वो जो है वॉडल करके चलते हैं, डगमग 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 चल रहे हैं, फीमेल्स को देखा होगा, ओवरवेट फीमेल्स को देखा होगा। तो ये चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टार्ट होने की जो एज है वो करीब 55 साल, 50 साल, 60 साल के आसपास शुरू होती है। आजकल एक ये रिसेंट ट्रेंड मैं लास्ट कुछ सालों से देख रहा हूँ कि ये जो है आर्थराइटिस ये कुछ जो है यंगर पॉपुलेशन में शुरू हो गई है, ख़ास तौर से ओवरवेट फीमेल्स में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली बॉडी की एजिंग है। कार्टिलेज जो होता है वो जो है कार्टिलेज की सतह घिसने लगती है और जो है पेशेंट को तकलीफ होने जो है शुरू हो जाती है। दूसरी साइड पे हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी गठिया होती है, गठिया बाई हम जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ शरीर में ऐसे ही तत्व बनने शुरू हो जाते हैं जो कि आपके जॉइंट्स का जो कार्टिलेज है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफरेंस ये होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस थोड़ा अर्ली ऑनसेट होता है, आपको 30 साल में 40 साल में ख़ास तौर से फीमेल्स में आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस मिलेगा। फैमिली हिस्ट्री होगी, मदर को हो सकता है, सिस्टर्स को हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो है किसी पेशेंट में फ़र्स्ट टाइम रिमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस हो, मरीज को दिक्कत होती है। शुरू में क्या होता है ज़्यादातर पेशेंट्स में कि उनका तकलीफ़ जो होती है वो उनके जो है हाथों से शुरू होती है। पेशेंट्स आपसे बोलेंगे कि उनको, वो लोग जब सुबह में उठते हैं तो उनको हाथ के जो है बेसिकली इस वाले जॉइंट्स में उनको आर्थराइटिस होता है। अगर ये हिस्ट्री लास्ट 3 महीने 4 महीने से चल रही है तो आप पेशेंट को फिर गठिया बाई के लिए आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं कि जैसे आर ए फैक्टर है, NCCP है, और भी कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं कि हम लोग जिससे पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं और पेशेंट को हम लेबल करते हैं कि पेशेंट रिमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट है। अगर आप पेशेंट को डायग्नोसिस कर लेते हैं कि इनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके कुछ जो है दवाएँ होती हैं और वो आप पेशेंट्स को देते हैं, और दवा ऐसी होती हैं कि वो जो है लाइफ लॉन्ग चलती हैं। कभी आप पेशेंट्स को दवा माइनस प्लस कर सकते हैं, कभी आप ज़्यादा मेडिसिन दे दें, आप कभी कम मेडिसिन दे दें, कोई आप मेडिसिन रोक दें, आप कोई मेडिसिन उसमें ऐड कर दें। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की मेडिसिन ऑलमोस्ट पूरी लाइफ खानी पड़ती है पेशेंट्स को। कुछ कुछ पेशेंट्स ठीक रहते हैं, ठीक चलते रहते हैं, जॉइंट में बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं आती है उनके, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में जॉइंट का बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, ख़ास तौर से नी जॉइंट का और जो है ना हिप जॉइंट का। सो उसमें अगर बहुत ज़्यादा वो जॉइंट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसमें हम लोग उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते हैं, और वो काफ़ी जो है कामयाब रहता है। पेशेंट जो है कई महीनों से सालों से चल नहीं पाते हैं, वो लोग अपना काम भर के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, थोड़ा बहुत काम के लिए उनका इतना लाइफ हो जाता है कि वो लोग चल सकते हैं। नॉर्मल जो बॉडी की जो है एजिंग वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा सा लेट एज में शुरू होता है, ज़्यादातर फीमेल्स में शुरू होता है, और जो है वो वाली फीमेल्स के जिनका थोड़ा वेट ज़्यादा की साइड है। 80-90% ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो जो है घुटने में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कुछ ग्रेड्स होती हैं, जैसे कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होती हैं। अगर उसमें पेशेंट्स ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में होते हैं, जो उनके घुटने की जो कार्टिलेज की सतह बिल्कुल घिस चुकी होती है, उसके लिए हम लोग सर्जरीज करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।